श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नियमित जो है भक्तों के इस बढ़ रहे दबाव को देखते हुए एक तो 7 बजे से 10 बजे रात तक दर्शन का कर दिया है और इसमें 15-15 मिनट बीच में गैप दिया जाता है जब भोग आरती और शयन आरती वगैरह होती है। वैसे तो क्रम यह है कि 5 बार आरती नित्य चल रही है जिसमें 4:30 बजे जो है मंगला आरती होती है, 6:30 बजे श्रृंगार आरती होती है और 12 बजे जो है भोग आरती होती है। इसके उपरांत जो है सायंकाल 6:30 बजे जो है संध्या आरती और ये क्रम चलता रहता है और 8 बजे पुनः जो है भोग आरती होती है जो फिर 10 बजे विश्राम हो जाता है भगवान का संध्या आरती के तहत। तो इस प्रकार से 5 आरती चलती है और भगवान नियमित जो है अपने समय से जगते हैं, उनको जगाने का कार्य उत्थान आरती जिसको कहते हैं मंगला आरती वो होता ही है और रात्रि में जब विश्राम मतलब वो शयन आरती हो जाती है। इस प्रकार से ये क्रम नियमित चल रहा है और सारे ट्रस्ट के हमारे जो बंधु हैं वो नियमित इस पर ध्यान दे रहे हैं ताकि भगवान श्री रामलला का नियम जो नियमित वो चल रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहे। और भक्त के नाते में शामिल भक्त के नाते देखिए क्या है कि अभी जो है ट्रस्ट ने सारे काउंटर पास और ऑनलाइन पास इसको सबको अभी रोक रखा है। इस पर रोक इसलिए रखा है क्योंकि जो भक्तों की भीड़ आ रही है यानी एक दबाव है, अयोध्या में आने वाले लोगों को दर्शन प्राप्त होना चाहिए पहले और आरती की प्रक्रिया बाद में चलेगी।